विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना एवं यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमन। आप सब इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, जानकारी भी चाह रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। आप आगे भी जिस विषय पे भी सुनना चाहते हैं मुझे बताएं, मैं आपको उसका विवरण दूंगी और आपकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करूंगी। आइए अब बात करते हैं अप्रैल महीने के राशिफल। अप्रैल प्रवेश के समय पर चैत्र, कृष्ण, बृहस्पतिवार, चतुर्थी, विशाखा नक्षत्र, दो घड़ी 11 पर, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र, चंद्रमा नीच में वृश्चिक में चल रहे हैं, सूर्य मीन में चल रहे हैं, बुध मीन में चल रहे हैं, शुक्र मीन में चल रहे हैं, बृहस्पति नीच में मकर में चल रहे हैं और शनि मकर में, राहु वृष में, मंगल युक्त में तथा केतु वृश्चिक में चल रहे हैं। अभी चंद्रमा केतु की युति हो गई और मंगल राहु की युति तो चल ही रही है। अब हम आपको बता रहे हैं राशि परिवर्तन। तो सूर्य 13 अप्रैल से उच्चस्थ होंगे और मेष में जाएंगे। चंद्रमा तो अभी वृश्चिक में चल ही रहे हैं। मंगल राहु से जो युति चल रही है वो निकल करके उसे मिथुन में 13 अप्रैल को भी जाएंगे। बुध 16 अप्रैल से मेष में, शुक्र 10 अप्रैल से मेष में तथा बृहस्पति अतिचारी होकर 5 अप्रैल से कुंभ में जाएंगे और उनकी नीचता भंग होगी। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मेष राशि। तो अभी काफी दिन से मंगल चल रहे थे आपके राशि होकर के राहु के साथ में, जो आपको शारीरिक कष्ट दे रहे थे। चंद्रमा भी नीच के चल रहे हैं केतु के साथ में, तो सुखेश हो गया, तो ये भी आपके सुख में भी कमी कर रहे हैं। सभी ग्रहों में सबसे बलवान आपका शनि ही चल रहा है, जो कि दशमेश होकर के दशम भाव में ही बैठा हुआ है। काम के लिए तो आपका बहुत अच्छा समय है, लेकिन शनि की पूर्ण दृष्टि जो कि सूर्य पर आ रही है, उससे थोड़ी बहुत आपके मन में भी अशांति हो रही है और नाम यश में भी थोड़ी सी कमी हो रही है। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभता लेकर के आएंगे और आपके पंचमेश होकर के लग्न में ही चलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके मंगल राहु से मुक्त होंगे और तीसरे भाव में चले जाएंगे, तो भाई बहनों से भी आपका बहुत प्रेम बना रहेगा और सभी ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए शुभ होगा। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पति आपके लाभ भाव में आ जाएंगे और लाभ भाव में आए हुए बृहस्पति हमेशा ही शुभता देंगे। तब लाभ भाव में बैठ करके जब वो पंचम भाव को चारों चरण से देखेंगे, तो संतान के प्रति भी आपकी रुचि जगेगी। अभी आपका मन कहीं लगता नहीं है, तो आपका मन भी लगेगा, आप काम भी कर पाएंगे और हर प्रकार से आपके लिए शुभता आएगी। अब बात करते हैं वृष राशि की। तो काफी दिनों से राशि में ही मंगल और राहु की युति हो रही है और अभी चंद्रमा भी आपके सप्तम भाव में केतु के साथ में चल रहे हैं। तो पारिवारिक विवाद, शारीरिक विवाद, कुछ न कुछ आपका चलता ही रहता है। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि संयम की आपके अंदर में बहुत कमी हो गई है। किसी भी चीज को आप सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं। वैसे लाभ में ही आपके सूर्य चल रहे हैं सुखेश होकर के,
बुध चल रहे हैं और शुक्र चल रहे हैं, तो लाभ की तो स्थिति बहुत अच्छी है। भाग्येश भी शनि आपके भाग्य में ही बैठे हुए हैं, लेकिन आपका जो मन है वो चंचल रहता है, उद्विग्न रहता है और किसी भी काम में आपका मन नहीं लग पाता। मंगल जब दूसरे भाव में चले जाएंगे 13 अप्रैल से, तो फिर आपके लिए दाम्पत्य जीवन की जो कटुता चल रही है उसमें भी कमी होगी और आपके लाभ के भी नए आयाम आएंगे, उससे भी आपको प्रसन्नता बहुत होगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि, तो मिथुन राशि वालों का समय वैसे तो भी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि राशिश बुध, पंचमेश शुक्र और तृतीयेश सूर्य तीनों की युति दशम भाव में हो रही है, तो लग्नेश दशम भाव में अखंड राज लक्ष्मी गुण दिलाता है, तो हर प्रकार से आपके लिए अच्छा है। किसी भी कंपटीशन में अगर आप बैठना चाहें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है 13 अप्रैल से और बृहस्पति का भी 5 अप्रैल से, वो भी आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही शुभता लेकर के आएंगे, क्योंकि आपके सप्तमेश होकर के और जब वो भाग्य में जाएंगे तो केंद्रेश का भाग्येश भाग्य भाव में बैठना बहुत ही शुभता लेकर के आता है। केवल मंगल राहु की युति वो थोड़ी कष्टकारक है और छठे बैठा चंद्रमा कुटुंब से ही आपको कष्ट दिलाता है। आपके लिए यही उचित है कि कुटुंब के प्रति सावधानी रखें, किसी भी प्रकार के तकरार में ना पड़े, क्योंकि मंगल और राहु ये किसी प्रकार से किसी भी विवाद से आपको तकलीफ में डाल सकते हैं, किसी मुकदमे में ना पड़े, वो आपके लिए बहुत ही कष्टकारक होगा। बुध की शुभता करें, सब प्रकार से आपके लिए अच्छा समय होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो राशिश चंद्रमा आपका अभी केतुयुक्त पंचम भाव में चल रहा है और राशिश का केतुयुक्त होना ये कोई अच्छी बात नहीं होती। किसी न किसी प्रकार से आपके मन में सबके प्रति कटुता ही आती रहती है, अच्छी सोच आपकी नहीं रह गई है। मंगल और राहु आपके लिए पैसे की तो बहुत अच्छी बात करते हैं, इन सब में तो आपको कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन मन में जो आपके अशांति है वो बहुत ज्यादा बनी रहती है। सबसे बड़ी ये बात कि आप लोगों पर विश्वास करना सीखें, विश्वास की जो कमी आपके अंदर में हो गई है चंद्रमा की गति के कारण, जिसके कारण ही आप कष्ट में आ जाते हैं। भाग्य भाव का बैठा हुआ शुक्र और सूर्य ये सभी आपके लिए बहुत अच्छे हैं और हर प्रकार से आपको शुभता देते हैं। सप्तमेश शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जो स्पाउस से भी आपके रिलेशन में थोड़े अहंकार के कारण कमी कराते हैं। आप थोड़ा नियंत्रण अपनी बुद्धि पे करें, अपनी सोच पे करें, निगेटिविटी से बचें, संतान के प्रति उत्तरदायी बने तो सब प्रकार से शुभता आएगी। बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन 5 अप्रैल से आपके लिए अच्छा होगा और सूर्य और मंगल का भी राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि, तो अभी आपका लग्नेश राशिश ये अष्टम भाव में सूर्य मीन में बैठे हैं, कर्मेश भी आपका उच्च का तो है लेकिन अष्टम बैठा हुआ बुध के साथ में और राहु और मंगल की युति तो चल ही रही है आपके कर्म भाव में। 13 अप्रैल से सूर्य अत्यंत शुभता लेकर के आएंगे, आपके भाग्य में चले आएंगे और मंगल का भी राशि परिवर्तन 13 तारीख से मिथुन में जाना बहुत ही शुभता है। जो समय अभी आपका चल रहा था कष्ट कारक, वो सभी समय आपका निकल जाएगा।
बृहस्पति भी आपके जो भी नीच में पंचम भाव के स्वामी चल रहे थे वो भी आपको इस कष्ट से मुक्ति देंगे और सप्तम में चले जाएंगे। इसके कारण आपका मन भी स्थिर होगा क्योंकि पंचम भाव का स्थान बुद्धि के लिए बहुत ही उचित स्थान है देखने के लिए पत्री को। तो पंचम भाव में अगर स्थिरता नहीं रहती है तो कुछ न कुछ विवाद अकारण ही आते रहते हैं। और अगर कोई सत्य बात भी होगी, सच्ची बात भी होगी, मित्र अगर आपको कोई सच्ची भी सलाह देगा तो आपको उसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है। लेकिन राशियों का परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभता लेकर के आएंगे। शुक्र भी आपके लिए बहुत अच्छा फल लाएंगे 10 अप्रैल से, क्योंकि वो भाग्यस्थ हो जाएंगे तो बहुत अच्छा आपका समय रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो चंद्रमा भी आपके तीसरे चल रहे हैं और केतु से उनकी युति चल रही है। भाग्य भाव में ही आपके मंगल और राहु की युति चल रही है। मंगल का स्थान परिवर्तन होगा, दशम भाव में मंगल आएंगे। वैसे तो कन्या राशि वालों के लिए मंगल कोई बहुत शुभ फल नहीं लेकर के आते, लेकिन जो समय आपका चल रहा था उससे जो राजकाज से जो कोई संबंधित काम है उसमें आपको बहुत ही शुभता मिलेगी। बृहस्पति जो कि स्पाउस का कारण है आपका, वो नीच में जो चल रहे हैं उनसे भी आपको अच्छा फल होगा। और पंचमेश शनि जो कंटक शनि होते हैं, जो सिर में कांटे की तरह से चुभते हैं, वो जो पंचम भाव में स्थित हैं, वो भी आपको बहुत निगेटिव बना देते हैं। कोई पॉजिटिविटी की बात आप कर नहीं पाते। तो थोड़ा सा शनि का ध्यान रखें, क्योंकि शनि की पूरी दृष्टि आपके सूर्य शुक्र और बुध पे पड़ रही है। राशिश आपका अभी केंद्र में होकर के शुभ है और राशियों का परिवर्तन होगा। सूर्य जब आपके अष्टम चले जाएंगे तो द्वादशेष होकर के अष्टम जाना सूर्य का आपके लिए बहुत अच्छा शुभ होगा। अब बात करते हैं तुला राशि। तो तुला राशि वालों का समय सबसे ज्यादा ये बात है दाम्पत्य जीवन का क्लेश, क्योंकि आपका सप्तमेश अभी चल रहा है राहु के साथ में और अष्टम चल रहा है। फिर 13 अप्रैल से जब वो भाग्य भाव में जाएंगे मिथुन में मंगल, तो सभी शुभता आ जाएगी और हर प्रकार से आपके लिए शुभ फल होगा। कार्य के क्षेत्र में भी थोड़ी आपको अभी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि कार्येश दशमेश चंद्रमा अभी केतु के साथ में दूसरे भाव में चले गए। पैसे की कमी आपको नहीं रहेगी, लेकिन जो आपकी सोच है उसके कारण ही आपको किसी भी समस्या से जूझना पड़ता रहता है। अभी दशमी अभी चतुर्थेश शनि आपके चतुर्थ भाव में ही बैठे हुए हैं। 5 अप्रैल से बृहस्पति आपके पंचम में चले जाएंगे। पंचम में जाने से तुला लग्न वालों के लिए बृहस्पति कोई बहुत अच्छा फल नहीं देते, तो वो भी आपको थोड़ी बहुत परेशानी देते रहेंगे। लेकिन सब मिला जुला करके सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, ये सब आपके लिए शुभता लेकर के आएंगे। और अभी तो आपके सूर्य बुध शुक्र सभी छठे चल रहे हैं, वो भी अप्रैल में 13 अप्रैल से 10 अप्रैल से और 16 अप्रैल से जब सूर्य बुध और शुक्र का स्थान परिवर्तन होगा तो केंद्र में आकर के फिर पारिवारिक सामंजस्य भी बनाएंगे और शुभता भी आपके लिए लेकर के आएंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपका भाग्येश चंद्रमा ही अभी केतु के साथ में राशि में बैठ गया और आपका राशिश मंगल राहु के साथ में सप्तम चल रहा है। तो अभी दोनों ही प्रकार से आपकी सोच के कारण, आपकी निगेटिविटी के कारण, आपके आडंबर के कारण और आपके अहंकार के कारण भी आपके परिवार में अभी सामंजस्य की बहुत कमी हो रही है। जब राहु से मुक्त होंगे मंगल तो फिर बात अच्छी होगी, और चंद्रमा तो बदलते ही रहते हैं, फिर
बृहस्पति का भी स्थान परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभता लेकर के आएंगे। सूर्य शुक्र ये सभी आपके लिए अच्छा फल देंगे और जो राशि परिवर्तन होगा उससे आपके लिए बहुत अच्छा समय आएगा, क्योंकि आपका कर्मेश वो जब उच्च का होगा तो हर प्रकार से कार्य के प्रति आपका मन भी आपका लगेगा और नए नए कार्य भी आपको मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं धनु राशि। तो धनु राशि वाले बहुत दिनों से आपका शरीर का स्वामी, आपके राशि का स्वामी अभी नीच के चल रहे हैं। पहले ही वो बृहस्पति केतु के साथ पिछले साल चल रहे थे और अभी चल रहे हैं नीच में। 5 अप्रैल से जब वो अतिचारी होकर के तीसरे भाव में जाएंगे, कुंभ में जाएंगे, तो जो भी आपकी शारीरिक परेशानियां हैं, जो भी शारीरिक कष्ट है, जो भी आपकी सोच में तकलीफ है, उन सबका समापन होगा और बहुत अच्छी तरीके से आप शुभता लेकर के और काम में बढ़ेंगे। सूर्य का भी राशि परिवर्तन, क्योंकि अभी सूर्य शुक्र बुध सब आपके चल रहे हैं चतुर्थ, तो सूर्य का राशि परिवर्तन जब पंचम भाव में होगा, उच्च का होगा, तो भाग्य भाव का स्वामी सूर्य का उच्च होना बहुत ही शुभ होता है। शुक्र भी और बुध भी सबका स्थान परिवर्तन होगा। सूर्य जब जाएंगे पंचम में तो आपके भाग्य में भी चमत्कार होगा, बाहर जाने के भी योग बनेंगे और हर प्रकार से आपको शुभता आएगी, क्योंकि मंगल भी आपका त्रिकोणेश होकर के जब केंद्र में आएंगे तो हर प्रकार से शुभ होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो राशि शनि ही आपके बैठे हुए हैं अपनी राशि में, और जब राशि ही राशि में बैठे हुए हो तो फिर क्या कहना। लेकिन ये न भूलें कि आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है और लग्न का बैठा हुआ शनि कभी कभी थोड़ा निगेटिव भी बना देता है। चंद्रमा केतु की युति लाभ भाव में बहुत अच्छा है और वो आपके लाभ के नए आयाम देता रहता है, पैसे की कभी आपको कोई कमी नहीं रहेगी। बृहस्पति भी आपके दूसरे भाव में जाकर के बहुत शुभ फल देंगे। इसके साथ ही अभी शुक्र भी आपको अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन सूर्य बुध और शुक्र जब मेष में जाएंगे तो थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है आपको, क्योंकि वो फिर उनका संचरण आपके पेट में ही होगा, तो पेट के प्रति थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके राशि शनि अभी 12वें चल रहे हैं, विदेश यात्रा का योग बनता है आपका, शारीरिक कुछ तकलीफ भी आती है आपको, और 5 अप्रैल से बृहस्पति आपके लग्न में ही आ जाएंगे। लग्न में आए हुए बृहस्पति जो भी आपको तकलीफ आ रही है उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। अभी दूसरे भाव के बैठे हुए सूर्य शुक्र बुध ये सब बहुत अच्छा लाभ आपको दे रहे हैं। धन की कहीं से कोई कमी नहीं आपको हो रही है, नए नए आपको प्रस्ताव भी मिल रहे हैं, हर प्रकार से आप काम भी कर रहे हैं। और 13 अप्रैल से जब सूर्य चले जाएंगे मेष में तो पराक्रम में भी आपकी वृद्धि होगी। शुक्र भी आपके लिए अच्छा और बुध भी आपके लिए अच्छा ही फल देंगे, क्योंकि बुध अभी आपके नीचस्थ चल रहे हैं, तो जब उनका स्थान परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन होगा, जब वो मेष में जाएंगे 16 अप्रैल से, तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगल भी आपका बहुत अच्छा है और वो आपका कर्म का मालिक होकर के पंचम बैठ गया है, तो वो बहुत शुभता लेकर के आएंगे और अभी जो कुछ तकलीफ आपकी चल रही थी उसमें भी थोड़ी आपको कमी आएगी। बस राहु आपके पेट में कुछ न कुछ गैस की समस्या
शुरू कर सकता है जिसके लिए अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी सावधानी उचित है। अब बात करते हैं मीन राशि। तो मीन राशि वालों के तो अभी राशि में ही सूर्य, शुक्र और बुध की युति चल रही है। लाभ में भी आपके शनि राशि शुक्र के बैठे हुए हैं। शनि भी आपका उस लाभ में बैठा हुआ बहुत शुभता लेकर के आता है। और आपके बृहस्पति का 5 अप्रैल से स्थान परिवर्तन, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 13 अप्रैल से सूर्य भी दूसरे जाकर के बहुत अच्छा फल देंगे। हालांकि मीन लग्न वालों के लिए शुक्र बहुत अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि ये विपरीत हो जाते हैं। बृहस्पति और शुक्र का स्वभाव अलग है, वो थोड़ा सा आपके विचार से, व्यवहार से थोड़ा सा आपको अहंकारी बना रहे हैं। अहंकार उचित नहीं होता। अभी आपको ऐसा लगता है मैं सब कुछ समझता हूँ। जब शुक्र का स्थान परिवर्तन होगा तो आपके लिए शुभता आएगी और हर प्रकार से आपके लिए अच्छा होगा। ग्रहों का परिवर्तन, राशि का परिवर्तन सब प्रकार से शुभता लेकर के आता है। आप तो इतने उत्साही हैं कि जो भी काम आपको दिया जाता है वो सब काम आप पूरा करके ही आते हैं। इसलिए अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखें और मनचाही चीजों को आप लेकर के आए। अप्रैल का महीना बहुत शुभ महीना है। इसमें नवरात्रि, वासंती, गुड़ी पड़वा, रामनवमी, पवित्र महीना रमजान, महावीर जयंती भी आ रही है। तो सोत्साह परिवार के साथ, मित्रों के साथ बैठ करके आप इसका आनंद उठाएं, यही मेरी शुभकामना है। और मेरा नमस्कार स्वीकार करें।